पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट व कुसमही स्टेशन के बीच नंदा नगर संपार फाटक संख्या 197 स्पेशल पर मेगा ब्लॉक के दौरान निर्माणाधीन अंडरपास का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लखनऊ मंडल की रेल प्रबंधक विजय लक्ष्मी कौशिक, मुख्य प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इंजीनियर एस के मिश्रा सहित मुख्यालय एवं मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे राजीव अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि नंदा नगर अंडरपास का काम पूरा होने के उपरांत देर शाम को 8:25 पर पहली मालगाड़ी ट्रेन शकुसर गुजरी और स्पेशल पर मेगा ब्लॉक की समाप्ति हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO संजय कुमार यादव ने बताया। देखिए 11:20 से लेकर 21:20 यानी कि रात को 9:20 तक ये आज ट्रेन ब्लॉकेज दिया गया है। टोटल ट्रेन ब्लॉकेज है और दूसरी साइड के बैरल जो है वो जो रेलवे ट्रैक के अंदर नीचे जो बैरल हैं उनको आज प्लेस किया जा रहा है और इसके साथ ही रेलवे का काम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद PWD अप्रोच का अपना काम करेगी तब ये जो खुल जाएगा लेवल क्रॉसिंग। ट्रेनें संचालन कब से हुआ? ये मैंने बताया ना आपको, सुबह 11:20 से और अब रात को 9:20 तक का ब्लॉकेज है। 9:20 के बाद ट्रैफिक रिस्टोर कर दिया जाएगा।